हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, हम इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारा जो रनिंग टॉपिक था वो कंजक्शन, कंजक्शन के प्रत्येक एक जो पॉइंट था उसके ऊपर हमने स्टडी कर ली थी। आज हम जो कंजक्शन से बनने वाली जो कॉमन एरर है उस एरर्स को हम यहाँ देखते हैं कि किस किस प्रकार की यहाँ पर एरर बनेगी। कंजक्शन से रिलेटेड जो एरर है वो किस तरीके से बनती है और किस प्रकार वो एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट की। आपको देखना है वीडियो जो है उसको पॉज कर दो और आप खुद जो है इसका आंसर बनाओ। देखिए, यहां से देखिए, नॉट ओनली विशा द एजुकेशन मिनिस्टर बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर। देखिए, मैंने नॉट ओनली का जब यूज बताया था तो एक बात कही थी मैंने आपको कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का जब मैंने यूज बताया था तब कहा था इस तरफ यदि सब्जेक्ट है तो आपको इधर भी सब्जेक्ट भी देना होगा, इधर नाउन है तो आपका इस तरफ भी नाउन होगा, यहां पर प्रोनाउन है तो इधर भी आपका प्रोनाउन, एडवर्ब है तो एडवर्ब, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव। यहां से देखिए, यहां पर वी सब्जेक्ट है, जबकि हम बात करें बट ऑल्सो के बाद में द चीफ मिनिस्टर, यहां पर यह सब्जेक्ट नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहां से कॉमन एरर, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकेंड पार्ट है, ये इसका थर्ड पार्ट है और ये इसका फोर्थ पार्ट है। तो देखिए, यहां से जो आपको एरर मिलेगा वो एरर होगा आपका यहां से, क्योंकि यहां से देखिए, मैं यदि इस वीसा को इधर रख देता हूं और नॉट ओनली को यहां ले आता हूं तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा वीसा नॉट ओनली द एजुकेशन मिनिस्टर बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर। देखिए, यहां से नॉट ओनली के बाद में द एजुकेशन मिनिस्टर होगा और बट ऑल्सो के बाद में चीफ मिनिस्टर होगा, तो कंफर्म यहां से ये वर्ड है वो एज ई सिमिलर लेवल के हो जाएंगे। तो आपका यहां से इरर कौन से पार्ट में मिला, फर्स्ट पार्ट में। क्या इरर मिला फर्स्ट पार्ट में, ये नॉट ओनली आपका उस तरफ जाएगा और वीसा आपका इधर आएगा। कंफर्म फर्स्ट सेंटेंस क्लियर। देखिए, सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं। सेकंड सेंटेंस में है अनलेस देयर पाथ्स डाइवर्ज्ड, लेनन एंड एमसी काटने रोट मेनी हिट्स टुगेदर। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है और ये आपका फोर्थ पार्ट है। देखिए, मैंने जब आपको अनलेस और अंटिल का यूज बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, तो मैंने बताया था ये आपके कंडीशन को इंडिकेट करती है और ये आपके टाइम को इंडिकेट करेगी। तो देखिए, इस सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए कि ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। यहां से जो वर्ड आपके जो मीन आ रहा है वो किससे रिलेटेड आ रहा है, एक समय से रिलेटेड आ रहा है। तो यहां पर अंटिल का यूज न हो, सॉरी अनलेस का यूज न होकर के यूज होगा अंटिल का। किसका यूज होगा यहां पर, अंटिल का। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या है आपके एरर। नेक्स्ट जो एग्जांपल है देखिए, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके आप इनके बारे में देखिए कि यहां से एरर क्या है। देखिए, सेंटेंस अपन थर्ड देखते हैं, आइदर ही और हिज ब्रदर सेंटेंस देखिए, आइदर ही नॉर हिज ब्रदर वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेन्यू ऑफ द मीटिंग ऑफ आवर सोसाइटी, नो एरर। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट। देखिए, इनमें से कौन से पार्ट में एरर है। देखिए, मैंने आपको एक यूज बताया था आइदर और का, मैंने कभी भी आपको आइदर नोर का यूज नहीं बताया, मैंने केवल और केवल यूज बताया था आपको आइदर और का। तो ध्यान रखना, यहां से जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है, पहले भाग में है और यहां पर होगा आपके और, नोर की जगह क्या बन जाएगा और, ये आपका यहां पर एरर था। सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं, द ड्राइवर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार एंड फॉर्चुनेटली ही वॉज, यहां से इसको फर्स्ट पार्ट बना दो, ही वॉज नॉट हर्ट सीरियसली, नो एरर। ये आपका फर्स्ट पार्ट,
ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। देखिए कौन से पार्ट में यहां पर एरर है। एरर की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में आपके किसी प्रकार का एरर नहीं है। सेकंड पार्ट की बात करें तो यहां पर एंड ने आकर के आपका आना चाहिए था बट कंजंक्शन, बिकॉज क्योंकि यहां इसके प्रतिकूल बात हो रही है आगे, यहां इसके कंट्रास्ट इसके प्रतिकूल बात हो रही है, इसके अपोजिट बात हो रही है, और जहां पर प्रतिकूल इसके विपरीत यदि बात करी जाती है तो ऐसी कंडीशन पर हम लोग बट का यूज किया करते हैं। यहां से एंड का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा आपके बट कंजंक्शन का यूज होगा। ठीक है, तो यहां से इधर सेकंड पार्ट में है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। नो सूनर डिड अंकित रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। नो इरर, यहां से फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ, इसको पांच पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। यहां से ध्यान दें, जहां पर नो सूनर आता है, मैंने आपको बताया था जहां नो सूनर आएगा वहां पर देन टी एच ए एन यूज होगा, न कि टी एच ई एन। यही आपके यहां से एरर है। यहां एरर आपके थर्ड पार्ट में है, ध्यान दें। तो नो सूनर के साथ में एरर जो होगी वो कौन सी होगी, यहां एरर बता रहे कि इसमें थर्ड पार्ट में नो सूनर के साथ यूज किसका किया जाता है, टी एच ए एन देन का, न कि टी एच ई एन का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। देखिए आपके सामने एग्जांपल दे रखा है, वी इंस्टेड बट नाइदर मोनी और हिज ब्रदर इज रेडी टू वर्क ऑन ए हॉलीडे। नो इरर, ये आपका यहां पर फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट होगा, यहां से ये आपके थर्ड पार्ट में जाएगा, ये आपका फोर्थ पार्ट होगा और ये आपका फिफ्थ पार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए गाइस यहां पर आप देखें कि कौन से पार्ट में एरर है। वीडियो को पॉज करके आप डेफिनेटली इसके ऊपर विचार करें, क्योंकि आपने कंजंक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को तैयार किया था। यहां पर तुरंत ही आपका जो एक्सरसाइज है या एग्जांपल है वो तुरंत सॉल्व आउट हो जाना चाहिए। देखिए यहां से आपने देखा था, मैंने जब पढ़ाया था बताया था आपको कि नाइदर के साथ में नोर का यूज होता है न कि ओर का। यहां पर यूज कर रखा है ओर का, जबकि यूज किसका होगा यहां पर, नोर का यूज यहां होना चाहिए। तो आपके एरर है वो सेकंड पार्ट में है। और देखिए यहां पर ओर के साथ में हिज दे रखा है, जबकि मोनी यहां पर सिंगुलर है, सॉरी मोनी यहां पर क्या है, फीमेल है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर हर आना चाहिए। ठीक है, हिज की जगह भी क्या होना चाहिए, हर। तो यहां से सेकंड पार्ट में आपके एरर पाया गया, नाइदर के साथ में नोर का यूज होना चाहिए और यहां से आप प्रोनाउन है वो भी ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल की ओर देखते हैं। यू कैन नॉट विथड्रॉ ऑल योर मनी अनलेस यू डू नॉट गिव ए प्रायर नोटिस। कंफर्म इस सेंटेंस में कंडीशन चल रही है, लेकिन इतना ध्यान रखना, यहां से मैंने आपको एक बात बताया था कि अनलेस के बाद कभी भी आप सेंटेंस नेगेटिव नहीं दे सकते। अनलेस के बाद सेंटेंस आपका क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो यहां से आपके नेगेटिव जो पार्ट है वो हट जाना चाहिए, क्योंकि अनलेस अपने आप में खुद ही क्या है, नेगेटिव है। नॉट का सेंस अनलेस खुद ही दे देता है। तो यहां से आपका डू नॉट नहीं आना चाहिए, अनलेस यू गिव ए प्रायर नोटिस, यही आपका होना चाहिए। तो इस पार्ट में जो एरर बनी है वो आपके थर्ड पार्ट पे, क्योंकि ये फर्स्ट था, ये सेकेंड और ये थर्ड, तीसरे पार्ट में आपका एरर बना। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, अविनाश इज नॉट सो गुड ए बैट्समैन टू बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम। नो एरर, ये आपका यहां पर फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, उसके बाद ये आपका थर्ड पार्ट, ये आपका फोर्थ पार्ट और ये आपका फिफ्थ पार्ट। अब देखिए हम लोग यहां से देखते हैं कि कौन से पार्ट में आपका एरर है। अविनाश इज नॉट सो गुड ए बैट्समैन टू बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम। यहां से देखिए मैंने आपको सो के साथ में
एज का यूज बताया था और यहां पर सो के साथ में यूज हो रखा है टू का, जो कभी होता ही नहीं है। तो गाइस ध्यान दे, यहां पर टू पर, टू के स्थान पर किसका यूज होना चाहिए आपके यहां पर? एज का यूज होना चाहिए, तब आपके सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। देखिए यहां से जो हम एग्जांपल सॉल्व आउट कर रहे हैं, इन एग्जांपल के बारे में आप विचार कीजिए कि वास्तव में यहां ये गलती किस तरीके से हुई। जब तक हम क्यों कब कैसे इस सेंटेंस में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हमारे प्रत्येक के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला है। तो यहां से आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को सोचिए कि क्या आना चाहिए और फिर इस तरीके से आप आंसर मैच कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। देखिए गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल अपना, कैन यू टेल मी व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रुथ। यहां से ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये आपका फोर्थ पार्ट है। तो गाइस ध्यान दे, आपका जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव का है, यहां से हम देखेंगे कि कैन यू टेल मी करेक्ट फॉर्म चल रही है, लेकिन यहां पर बीच में आया आपका वाई। ये जो कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये वाई, यहां से ध्यान दे, ये कनेक्टिंग बढ़ रही है, यहां से ध्यान दे कि वाई के बाद में कनेक्टिंग बढ़ रही है, तो सब्जेक्ट, उसके बाद में एचवी, उसके बाद में एमवी, इस फॉर्म में सेंटेंस को हम बनाते हैं। और यहां बढ़ रहा है वाई के बाद में डिड, तो यहां से कॉमन एरर जो बन करके आएगा वो आपके सेकेंड पार्ट में होगा, क्योंकि यहां से आप देखते हो सेंटेंस इंटरोगेटिव है, लेकिन यहां से जब ये कनेक्टिंग बन रही है आपकी, और कनेक्टिंग के बाद में डेफिनेटली आपका जो बनने वाला जो सेंटेंस होगा वो इस स्ट्रक्चर में होगा, तो आप इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस को अरेंज कर दीजिए, आपका सेंटेंस ही होगा। यहां से कॉमन यूज बनेगी सेकंड पार्ट में और बनेगा आपका वाई, फिर उसके बाद में यू, फिर उसके बाद में डिड, फिर उसके बाद में नॉट, इस तरीके से आपका सेंटेंस होगा, ठीक है। ये था आपका जो नाइन एग्जांपल है वो, जिसमें कॉमन एरर आपको इस तरीके से देखनी है, ठीक है। टेंथ लेसन के है, सॉरी टेंथ एग्जांपल की बात करते हैं। द पोजीशन ऑफ द मैच इज सो दैट इंडिया हैव स्कोर्ड 300 रन्स इन 44 ओवर्स और नो एरर। देखिए इस पार्ट की बात करें तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है और ये आपका फोर्थ और ये आपका फिफ्थ। ध्यान दे कैंडिडेट्स, यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है नो एरर, क्योंकि सेंटेंस एक अरेंज फॉर्म में है, लेकिन देखिए यहां पर सो दैट, देखिए कभी भी ध्यान से सुन लेना आप लोग, इज आर एम जो भी आपकी कॉम्प्लीमेंट आता है, इन कॉम्प्लीमेंट के आगे कभी भी दैट का, सॉरी सो दैट का यूज नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट यदि इज आर एम वॉज वर ही आता है तो ऐसी कंडीशन पर बनने पर कॉम्प्लीमेंट होगा, और वहां पर हम लोग सो दैट का यूज कभी नहीं करेंगे, वहां पर केवल यूज होगा दैट का, वहां पर केवल यूज किसका होगा? दैट का। तो यहां से हमने कॉमन जो एरर है वो एग्जांपल सॉल्व आउट कर लिए। आने वाली वाली जो क्लास होगी उसमें हम जो सेंटेंस जो एक अरेंज फॉर्म में नहीं है, सेंटेंस में एरर पाई जाएगी, उस सेंटेंस एरर को भी हम यहां पर सॉल्व आउट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो कैंडिडेट्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उस तक पहुंचे पाए। जय हिंद, जय भारत।